नमस्कार दोस्तों, लोकेंद्र चौधरी, ग्राम चांदपुर खुर्द, नौझील ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट मथुरा। आज 5 जून 2022, जिसको हम विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसके लिए हम एक छोटा सा मुहिम चलाई है हमने, जिसमें कि हमने कुछ वृक्षारोपण किए हैं, जिसमें बम्बू के प्लांट, जो कि बांस के पौधे का वृक्षारोपण किया है, जो कि हमारी पृथ्वी को बाकी पौधों से 35% एक्स्ट्रा ऑक्सीजन प्रदान करता है और बहुत ही जल्दी ये अर्निंग भी देता है हमें। इसलिए हमारी सभी से यही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें, और वो भी ऑक्सीजन प्लांट यानी कि बम्बू प्लांटेशन, जिससे ऑक्सीजन भी मिलेगी, पर्यावरण को शुद्धिकरण भी मिलेगा। वृक्ष लगाओ, पृथ्वी बचाओ। नमस्कार, जय हिंद। तो सर जी, आपका आगे फ्यूचर में क्या प्लानिंग है? हमारा फ्यूचर प्लानिंग ये है कि हमारा ये 4 एकड़ ज़मीन है, जिसमें कि हमारे कपास कॉटन की खेती की हुई है। इसमें हमें अभी जून का महीना चल रहा है, जुलाई के महीने मैंने किसान पाठशाला बलराम किसान मड़वाणी मध्य प्रदेश से प्लांट बुक कराए बम्बू के, और उनको वृक्षारोपण करना है इसमें पूरा 4 एकड़ में जुलाई के महीने में। अब तक आप कितने पेड़ लगा चुके हैं सर जी? अभी तक हमने 1500 पौधा हमने प्लांटेशन कर चुके हैं, जो कि 6 महीने के पौधे हमारे हो चुके हैं, और आज हमने 151 पौधे, जो कि विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में वृक्षारोपण किया है उसके उपलक्ष्य में। तो आप बम्बू के लिए किसानों को कैसे प्रेरित करते हैं? बम्बू लगाओ, जो कि सभी खेतियों से सबसे अच्छा फसल होती है बम्बू की, अर्निंग भी जल्दी देता है। इसकी सिर्फ 1-1.5-2 साल की मेहनत होती है, बाकी इसमें कुछ करना नहीं है, अर्निंग ही अर्निंग होती है। सबसे अच्छा पौधा होता है बम्बू का। तो धरती माता के लिए सर जी आप बहुत कुछ कर रहे हैं। जी, एक छोटा सा प्रयास है, बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन आगे करने का बहुत इरादा है। ज़्यादा से ज़्यादा हम डेंस फॉरेस्ट लगाने की कोशिश में हैं। चलिए सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। वेलकम जी।